बताइए क्या हुआ बालक लोग आठवीं क्लास का सवाल है अब आठवीं का हो नौवीं का हो, भाई नहीं होता है तो नहीं होता है कॉमन सेंस वाली चीजें जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए मैंक ने बताया एक सौ पिचहत्तर स्पार्टेंक ने बताया पच्चीस शशांक ने बताया पच्चीस और कृष्ण ने बताया है सौ ठीक है काफी समय लग गया ठीक है तो हमें दिमाग से निकाल देना है कि हमसे सवाल नहीं हो रहा तो बारहवीं का है तेरहवीं का है ऐसा कुछ नहीं है सब दसवीं तक का है बस लैंग्वेज को घुमाते फिराते रहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आठवीं का है कोई बात नहीं दो बैग हैं ए और बी ठीक है जिसके अंदर दो रुपए और पांच रुपए के सिक्के हैं यानी ए जो है रेस्पेक्टिवली लिख रहा है यानी ए के अंदर जो है दो रुपए के सिक्के हैं और एक बैग बी है जिसमें पांच रुपए के सिक्के हैं ठीक है यार आगे बढ़ते हैं सवाल कह रहा है कि ये किस रेशियो में तीन और दो के रेशियो में कितने तीन और दो के रेशियो में यानी इसमें अगर तीन सिक्के हैं तो इसमें दो सिक्के हैं आगे कह रहा है फ्रॉम बैग बैग ए आर ट्रांसफर टू बी इन बोथ बिकम इक्वल यहां से पांच सिक्के यहां पे ले जाने अब देखो कब आपको x का इस्तेमाल करना होता है वो सवाल आपको खुद बताता है जैसे मैंने यहां पर माइनस किया इसमें से पांच और इसमें ऐड कर दिया पांच अरे थ्री माइनस फाइव तो नेगेटिव तो हो गया मतलब ये ये है क्या, है क्या? हाँ। देखो, पाँच सिक्के यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां पर तो वो पांच कम हो गए और यहां पर वो जाके ऐड हो गए आप में से कुछ ने कॉपी में क्या लिखा है मैं जैसा देख पा रहा हूं लिखा है टू एक्स प्लस फाइव यहां पर माइनस करना भूल गए ना दोनों तरफ होगा इधर से जा रहे हैं उधर तो ट्रांसफर देखो एक होता है ट्रांसफर करना मतलब एक के खाते से गए एक के खाते में आए एक हो गया किसी ने इसके अकाउंट में डाल दिए इसने नहीं डाले इफ फाइव रुपीज आर या इफ कॉइंस आर एडेड इन बैग बी मतलब उससे ए को फर्क नहीं पड़ा सवाल की लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या पीछे वाले सभी हा या ना बताओ कह रहा है कि ए के ए ने पांच दे दिए तो ए के माइनस हो गए एक कह रहे केवल बी को बी के बी बैग में हमने पांच ऐड कर दिए इसका मतलब ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा उस केस में होता थ्री एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव जब केवल इसमें ऐड किया लेकिन ट्रांसफर के टाइम क्या होगा इधर से माइनस भी होगा बोलो हाँ या ना समझ में आ गया ना अब आंसर भी आ गया होगा लेकिन अभी भी एक छोटी सी गलती हो सकती है उसको भी देख लेते हैं क्या आपने जैसे ही देखा थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल क्या हो जाएगा यहां पर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव एक्स यहाँ पर आ गया तो फाइव प्लस फाइव टेन यानी एक्स की वैल्यू टेन आ गई यानी हम समझ गए कि ये तीस सिक्के थे ये बीस सिक्के थे पांच वहाँ चलेंगे गए पच्चीस पच्चीस बराबर हो गए सवाल में कह रहा है बताइए फाइंड अमाउंट प्रेजेंट इन बैग बी नाउ नाउ मतलब अब अब मतलब कि कब जब पैसे ट्रांसफर हो गए जब यहां से वहां पहुंच गए तो यहां पर तीस थे यहां पर कितने थे बीस तो जब यहां से यहां पांच गए तो कितने हो गए पच्चीस यहां पर पच्चीस कॉइन है पांच रुपए के हैं तो पच्चीस इंटू में पांच कितना हो गया एक सौ पच्चीस मल्टीप्लाई नहीं करना है फाइव और पच्चीस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा एक सौ पच्चीस कितना आ जाएगा एक सौ पच्चीस लेकिन 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 अब होना क्या चाहिए यार ये जो 25 सिक्के हैं, क्या ये सबके सब, सब पांच रुपए के नहीं 20 सिक्के थे पांच रुपए के तो सौ रुपए तो वो हो गए और पांच सिक्के यहां से आए थे नहीं, वो दो रुपए वाले थे तो दस रुपए यानी करेक्ट आंसर होगा 110 बोलो मजा आया ये ये एग्जाम में ना ये चीजें ना एग्जाम में मतलब उतना अलर्टनेस नहीं रह पाती कहीं ना कहीं हमसे जल्दबाजी में दिक्कत परेशानी हो जाती है